भी आज दिखा दो, कहीं आश्रम में पड़े हो मुसलमान के माँ बाप। एक सेकंड, अगर मैंने दिखा दिए तो क्या मुल्ला जी साहब बात पढ़ाता? परशुराम का वंशज किसको जवाब नहीं दे सकता? पढ़ाई हमने तो है वंश का नाश कर दिया 21 बार। यही वाला हिसाब है, जब कुछ नहीं आता तो जय श्री राम। गर्व से कहता हूँ जय श्री राम। जिसके पेट में मरोड़े मार रहे हैं मारते रहो, जैसा तन दिख रहा है वैसे मन कीजिए, ऐसा वैसा ना कोई जतन कीजिए। और इस उम्र में इधर उधर की बात करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। लेकिन पढ़ो, लेकिन उस पर अमल करो। हमने पूरी जो है ना कुरान पढ़ ली, उस बात को माने नहीं तो कैसी पढ़ाई? कुरान से अलग भी तो विषय है ना, उसमें देख रहे हैं भाई साहब, ये पढ़ाई को सिर्फ धार्मिक एंगल से देख रहे हैं। पढ़ाई आपने कुरान पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, मैंने तो गीता पढ़ी, मुझे बहुत कुछ समझ में आया, जीवन जीने का सलीका समझ में आ गया, समझ गए। अब आपको कैसे नहीं आया मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की हर धर्म की किताब, हर दुनिया की धर्म की किताब इंसान को जीने का सलीका सिखाती है, और हर धर्म की किताब कहीं ना कहीं उसे अच्छा बनाने का कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं बन पा रहे हो तो या तो आपके पढ़ने में कोई कमी रह गई है, फिर या फिर किताब। अच्छी बात उठाई इन्होंने, अगर हर धर्म की किताब बताती ना सलीका जीवन जीने का, तो अनाथ आश्रम में ये देखो, आश्रम में कितने बुजुर्ग, वृद्धा आश्रम में कितने बुजुर्ग बैठे। आप बताती है लेकिन फॉलो नहीं करवाती। और हम लोग फॉलो भी करते हैं ना, हमारा कुरान कहता है कि माँ बाप मुझे जन्नत है, तुम एक भी दिखा दो कहीं आश्रम में पड़े हो मुसलमान के माँ बाप। एक सेकंड, अगर मैंने दिखा दिए तो क्या मुल्ला जी सार्वजनिक तौर पर इसी चैनल, आप ही के चैनल पर इसी चांदनी चौक में माफी मांगेंगे? भाई वो फिर किसी और कैटेगरी से होगा। कौन सी बात है यार, अरे मुसल या तो अनपढ़ जाहिल होगा, कलाम पाक नहीं पढ़ा होगा। कौन सी बात है यार? तो भैया सुनो, दावे के साथ कह रहा हूं, एक सेकंड, पढ़ा लिखा होगा वो कभी माँ बाप तो एक कड़वी बात बता देता हूँ, दुनिया में जिसका भी, जिसके भी माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो दुनिया का, अगर वो अपने माँ बाप को नहीं खिला पा रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है। सबसे सबसे नालायक तो है ये, जाहिल भी है, सबसे बड़ा दुष्ट भी है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि नहीं मिलेंगे, अगर मैंने दिखा दिए तो क्या ये माफी मांगेंगे? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसके और कोई हो, मजबूरी आ गई नहीं, मजबूरी क्या, माँ बाप से बड़ी मजबूरी क्या होती है? कोई औलादी ना हो उसके। अच्छा देखो, अब फिर वही वाली बात करते ना, लेकिन एक समाज को इन्होंने, एक समाज को इन्होंने दोषी ठहराने के लिए, एक सेकंड मुल्ला जी, भाई अभी एक भाई मेरे से पूछ रहा था दोगली बात क्या होती है, दोगली बात भाई फिर एक मिसाल बताता हूँ सुनना। अभी मुल्ला जी ने एक समाज को दोषी ठहराने के लिए क्या वक्तव्य दिया? क्या बोला? कि वृद्धाश्रम में जिनके माँ बाप होते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो होते हैं, और हम मुसलमान हैं, हमारे में से एक भी दिखा देना कि वृद्धाश्रम में मिल जाए, ठीक है? एक बात थी, इस पे इनको स्टिक रहना चाहिए था। जैसे ही मैंने बोला कि अगर मैंने वृद्धाश्रम में, क्योंकि मैं जाता हूँ, इन लोगों की तरह सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैं साहिबाबाद में वृद्धाश्रम है, आपका यहाँ पे करेला में है, आपका शाहबाद में है, मैं कई सारे वृद्धाश्रम में जाता हूँ, पंजाबी बाग में मैं जाता हूँ सेवा करने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको बोला। और जैसे ही मैंने बोला मैं दिखा दूंगा, तो भाई साहब ने क्या दोगली बात करी, उनकी मजबूरी हो सकती है, मतलब एक समाज की मजबूरी नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं यहाँ डंके की चोट पर एक बात बोल रहा हूँ कि चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, अगर उसकी औलाद उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रही है तो वो औलाद नालायक है, वो औलाद पापी है, वो औलाद जाहिल है, और उससे बड़ा दुनिया में कोई जाहिल हो नहीं सकता। नहीं, आपका धर्म सबसे बड़ा है, आप ये मत कीजिए। मैंने तुम्हारे धर्म की बुराई तो नहीं करी, मैं आई गिरी तुमने नहीं, गलत बोल रहे हो आप, मैं उधर नहीं, आप जो है ना, आप जो है हमारा धर्म, तुम्हारा मुसलमानों को टारगेट करते हो, तो मुझे पूरा यकीन है, दिमाग मत काटा करो यार। हाँ, आराम से खुल होकर जवाब दीजिए, मुझे खूब पता है कि तो आप टारगेट हमें करेंगे, क्यों करेंगे, हम सवाल का जवाब जरूर देंगे, आंसर क्रॉस भी करेंगे, हमारा हक है, इनको भी करेंगे। हमारा जो जीवन जीने का संविधान है ना, हमें सिखाया ही नहीं, वो कलाम पाक है, उसमें यही बताया गया है कि आप पड़ोसी के साथ क्या करेंगे, आप अपने माँ बाप के साथ क्या करेंगे, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। हमारा जो कहने का मतलब ये था कि हमारे में 99% एक आधा कोई हो सकता है उसके औलाद ना हो। मुल्ला जी मैं आपको तो हर धर्म में, सिर्फ हमारे आपके धर्म में, हर धर्म में यही सिखाया जाता है, कोई भी धर्म गलत नहीं। क्यों नहीं करते? ये कहते हैं अमन क्यों नहीं करते? मैंने तो ये वहीं से उठा, वहीं आ गया यार, मुझे तो बोलने दो पूरी बात, यही तो मेन मसला है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छाई से पढ़ो, उस पर अमल करो, और पूरी तुमने किताब पढ़ ली, जज कलेक्टर बन गए, माँ बाप को वहाँ छोड़ी आए, तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। मैंने पढ़ाई की बुराई नहीं करी, मैंने कहा थोड़ा पढ़ो उस पर अमल करो। अब सुनिएगा मैंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि क्यों बन गए
और क्यों हो रहा है हर बात पे क्यों 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 करने की बजाय ना, इनका इनके लिए चार लाइनें बता देता हूँ। पहले अनामिका जय नंबर की, ठीक है, मैं भजन बोलूंगा ये उसको दुआ में ले ले या किसी में ले ले, सुन लीजिए, जैसा तन दिख रहा है वैसे मन कीजिए, ऐसा वैसा ना कोई जतन कीजिए, और इस उम्र में इधर उधर की बात करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ठीक है, भजन करोगे कल्याण होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आकर चांदनी चौक में उंगलियाँ उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह वृद्धाश्रम में जा रहे होते ना सेवा करने के लिए, तो आज आपको पता होता कि हर समाज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको फिर एक समाज के अंदर वो कमियां नहीं ढूंढी होती, लेकिन आपने जो एक समाज में वो कमियां ढूंढने की कोशिश करी ना, हिंदू समाज में जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करी ना, सुन लो, वो सिर्फ इसलिए करी क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ नफरत है। मैंने तो अभी तक एक भी ऐसी बात नहीं बोली ना कि मुझे मुसलमानों के लिए नफरत है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से मेरे समाज को टारगेट कर नाम नहीं लिया ना, ये गलत है भाई साहब, बोला तो यही तो बात, इन्होंने क्लियरली बोला कि उनके माँ बाप होते हैं और मुसलमानों के हों तो बता देना, तभी तो मैंने जवाब दिया। नफरत क्यों, क्या बात कर रहे हो आप, नफरत क्यों भरी, यही तो बात, बात पढ़ाई की उठी थी और उस पे चले गए, जाति पाति पे चले गए, आप सच्चाई लेकर गए सर, नहीं बात पढ़ाई पर लेकर गए सर, अब आप सोचो कि आप जाति पे बोलो भी, मेरे धर्म पे बोलो भी, और मैं अपने धर्म के लिए जवाब भी ना दूं, इतना माड़ा तो नहीं हूँ, सनातन से आता हूँ, दादा परशुराम का वंशज, किसको जवाब नहीं दे सकता, हमने तो है वंश का नाश कर दिया 21 बार, हम जवाब नहीं दे पाएंगे दादा परशुराम के वंशज, क्या बात कर दी है ना, जहाँ जहाँ उत्तर लेना होता है जब कुछ नहीं आता तो जय श्री राम, यही वाला हिसाब है, जब कुछ नहीं आता तो जय श्री राम, तो ऊपर बोल के बम क्यों फोड़ देते हैं, एक सेकंड, मैं अभी भी किसी के धर्म पे नहीं जाऊंगा। मुल्ला जी ने फिर से नफरत वाली बात करी, गर्व से कहता हूँ जय श्री राम, जिसके पेट में मरोड़े मार रहे हैं मारते रहो, और सुनो आगे ये कह रहे हैं ज्ञान, मैं मुल्ला जी को ओपन चैलेंज करता हूँ, अपने साथ में जिसको ज्ञानी मानते होंगे अपने उसमें से लाकर मेरे साथ में जिस जगह पर जगह इनकी समय इनका शास्त्रार्थ कर लें या कुरान पर खुलकर बात कर लेंगे, कुरान पर भी ठीक है, खुलकर तसल्ली से 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, ठीक है, आकर ये बात कर लें और मुझे गलत साबित कर देंगे मान जाऊंगा, ठीक है, आप भी गीता पे नहीं कर पाओगे, भाई जो नहीं कर पाओगे, आप भी नहीं गीता पे कर पाओगे, एक श्लोक हमने पढ़ा, आप रामायण पे नहीं कर पाओगे, यार सुन तो लो, जज्बाती हो जाते हो, और सुनो मुझे दूसरी जगह जाना क्यों है यार, मेरे पास 4 वेद, 18 पुराण, इतने सारे उपनिषद मेरे पास है, मुझे कहीं और जाना क्यों है, धर्म तो मुझे भी बताया कि कोई भी बुरा नहीं है, यही तो बात है ना, धर्म बुरे हैं, यही बात तो मैंने शुरू से लेके फिर वहीं आ गए, घूम फिर के वहीं आते हैं कि थोड़ा पढ़ो लेकिन उस पे अमल करो, नहीं थोड़ा पढ़ो या ज्यादा पढ़ो पर अमल करना चाहिए अच्छी बातों पर, हाँ अच्छी बात, मुल्ला जी ने अमल करा, मुल्ला जी से सम्मान पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ज्यादा, आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि कुरान में लिखा है या शरिया में लिखा है या कहाँ लिखा है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन टीवी पर आना भी हराम है, क्या ये सच है, मुल्ला जी आप चैनल पर आकर बाइटे दे रहे हो, क्या आपने अमल करा, और जब आप अमल नहीं कर रहे हो आप अपने बच्चों को कैसे अमल कराओगे, ये टीवी बनाई, ये टीवी बनाई किसने है जरा इनसे पूछना, मुझे नहीं पता, ये मत सोचना मुझे नहीं, हमने तुमने बनाई है, आपने बनाई है, जो ऊपर बैठा है ना सारा दिमाग उसने दिया है, यार ये कैमरा उसने थोड़ी बनाया है, ये माइक उसने हमें बनाया है और ये सब हमने बनाया है, कुछ नहीं फिर वही वाली बात है, अच्छा मुल्ला जी एक सेकंड मुल्ला जी साइंस के उनका पूरा होने वाला था, तमजा मां बोलो, ये कह रहे ऊपर वाले ने तो हमें बना दिया, फिर हमने इस कायनात को बनाया है, ये सुनो ऊपर वाले के बगैर, जिसे ऊपर वाले कहते हैं, मैंने ईश्वर के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये कैमरा क्या बना देंगे यार, वो सब उसकी मर्जी है, इससे पहले क्योंकि किसी ने परमाणु बम क्यों नहीं बनाया, उसे दुनिया खत्म करनी है इसलिए सबसे बनवा रहा है, देखो ऐसा है, मैं तो हर चीज में कहता हूँ कि साइंस के साथ साथ अध्यात्म तो है ही है, एक तरफ तो हर चीज में उनका वो है, लेकिन अब ये गैजेट्स को भी बोलेंगे कि उन्होंने बनाया, नहीं उन्होंने हमें बनाया, हम इन चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, उन्होंने ये सृष्टि बनाई, ठीक है, इन चीजों का आविष्कार तो मानव कर रहा है ना, इस चीज को समझो, कुर्ता तो दर्जी ने कपड़ा बनाया, सच तो ये अलग चीज हो गई, अब अभी तक ये बांटने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे हैं वो समझे आप, वो चाचा ये कह रहे हैं कि तुम कह रहे हैं कि विज्ञान ने टेलीफोन बनाया,
देखो विज्ञान ने कितना बड़ा आविष्कार किया कि मोबाइल फोन बना दिया। चाचा ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला तुम्हारे पास 100 ग्राम का डब्बा, यहाँ बैठे तुम अमेरिका बात कर ले रहे हो, लेकिन ऊपर वाला अगर जुबान ना देता तुम्हें, ये आत्मा ना डालता, तो ये 100 ग्राम का डब्बा किस काम का? ये कहना जुबान की बात नहीं हो रही, टेलीफोन की बात नहीं कर पाए। सुनो ठीक है, भाई को मैटर नहीं पता था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इसे ही कहते हैं, भाई को मैटर नहीं पता हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, भाई ने आके एक अलग से थ्योरी दे दी। ऐसी वाली थ्योरियां तो मेरे पास बहुत सारी हैं, ऐसी वाली थ्योरियां तो मेरे पास बहुत सारी हैं कि वो नहीं चाहता तो आपके माँ बाप नहीं आते, आप नहीं आते, यहाँ नहीं आते, ये नहीं करते, ये तो फिर अलग थ्योरी हो गई ना। जब यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पे बात करो यार, क्या अलग अलग अनर्गल बातें कर रहे हो, तो अलग चीज हो गई। अलग इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ते हैं हम लोग पता है मरने के बाद, कि उसने हमें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला दिया, वजूद सिर्फ उसी का जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम लोग तो सिर्फ मिट्टी हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे यार, हमारा कोई वजूद नहीं, नहीं मिलेंगे सर। हमारा शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर बना है और हम पंच तत्वों में विलीन होते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, अग्नि में भी जलते हैं, जल में भी प्रवाहित होते हैं, आकाश में भी जाते हैं और वायु में भी जाते हैं, तो हम तो पंच तत्वों से बने हुए हैं और हम इस पंच तत्वों में विलीन होते हैं।